लगता है चाबी घर भूल आया। हेलो। हाँ हेलो बहादुर जी साहब। हाँ देखो मैं साहब बोल रहा हूँ, जरा मेम साहब को फोन दो। क्या साहब? मेम साहब तो साहब के साथ अंदर बेडरूम में है। क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं साहब बोल रहा हूँ, मेम साहब को फोन दो। आप क्या मजाक करता है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, पागल हो गया है क्या तू? हमने कहा ना हम साहब बोल रहे हैं। हाँ साहब, आवाज से तो आप कुछ कुछ हमारे साहब लगते हैं। कुछ कुछ क्या, हम साहब ही बोल रहे हैं। मेम साहब साहब के साथ बेडरूम में बंद है। हेलो जी साहब, मेरे टेबल का ड्रॉअर खोलो जल्दी। साहब मेम साहब के साथ बेडरूम में बंद है, कुछ गड़बड़ है, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हेलो, खोल दिया साहब। हाँ अब देखो वो ड्रॉअर में अंदर हाथ घुमा, वहां तुम्हें पिस्तौल मिलेगा। मिला जी साहब। अब एक काम करो, बेडरूम में जाओ और साहब और मेम साहब दोनों को गोली से उड़ा दो। ठीक है साहब, कर देता है। अब पता चल जाएगा असली क्या है और नकली क्या है, दूध का दूध और मलाई की मलाई। हेलो बहादुर। हेलो हेलो। शाब, हमने दोनों को खत्म कर दिया। शाबाश, बहुत अच्छा किया बहादुर, हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुम्हारा पगार बढ़ा देंगे, हम 50 रुपए की तरक्की देंगे तुम्हें। अब सुनो, एक काम करो, बेडरूम में जाओ और उन दोनों लाशों को घसीट कर बाहर ले आओ, और हमारे सामने का जो गार्डन है वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उन दोनों लाशों को उसमें दफना दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या बात करता है साहब, इधर सामने कोई गार्डन नहीं है, वो तो ग्राउंड फ्लोर पर गार्डन है। हम तो शातमाला से बात करते हैं। क्या बकवास कर रहा है? हेलो, नंबर क्या है तुम्हारा? अरे 304-2237। ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर।